सब बजा लाता है। जीते रहो। बेगम, ये बड़ा होनहार और शरीफ बच्चा है। हम इसे यतीमखाने से लाए हैं। आज से ये हमारे साथ रहेगा। सुरैया, तुम इकबाल को अपने हमराह ले जाओ बेटा। जरा बागीचे वगैरह की सैर कराओ। जी, चलिए। सामान हमारे हवाले कर दो बेटा। ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। इंशाअल्लाह हम इसकी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। इस बागीचे का नाम है निषाद बाग। हमारी सालगिरह के दिन इसमें बड़ा भारी जश्न मनाया जाता है। 9 मन घी से महल में चिराग जलाए जाते हैं, फिर हमें अशरफियों में तोला जाता है और वो अशरफियाँ गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दी जाती है। तुम भी तो कुछ बोलो, बताओ तुम्हारी सालगिरह में क्या क्या होता है। मेरी सालगिरह? अजी, मेरी सालगिरह तो आसमान पर मनाई जाती है। जमीन तंग हो गई है उसके लिए। आइए, आप भी तशरीफ रखिए। हम घास फूस पर बैठने के आदि नहीं। कौन आया कौन गया तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं। नवाबों के घर में रहने आए हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। ओह, भूल हो गई है, माफी चाहता हूँ। मैं दर्शनीय किताब पढ़ रहा था। हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया। चलो हमारे साथ। ये कहाँ जाना होगा? चांद की 14वीं रात हमारे बाग में जश्न हुआ करता है। चलो तुम भी देखो। चलिए। ठहरो, इन मैले कुचले कपड़ों से तुम बाग की सजा खराब करना चाहते हो। मगर मेरे पास तो इनसे अच्छे कपड़े मौजूद नहीं। शायद तुम नहीं जानते कि नवाबों के घर में सब कुछ मौजूद रहता है। ए, इनके लिबास का इंतजाम करो। अच्छा लिबास हैवान को भी इंसान बना देता है। हमारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया, वाकई मैं इंसान दिखाई देने लगा। और ये खीचड़े, एक ले जाओ इन्हें जला दो। ठहरी ठहरी ठहरी, खुदा रे इन्हें जलाने का हुक्म ना दीजिए। ये मेरे दुख दर्द के साथी और मेरी गरीबी की यादगार हैं। जाहिल, बदतमीज, बेहुदा, अच्छे लिबास को भी बदबूदार बना दिया इन मैले कुचले कपड़ों से। जंगली कहीं का। टाट का पेवर जेब नहीं देता, मुझे वापस जाना चाहिए। झगड़ा हो गया है सूर्य से?
तो फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? आओ हम समझा देते हैं। आओ हम क्या बताएं, इन्हीं से पूछिए, पता हमारी थी या इनकी। देखिए तो सही इस रुपए में क्या क्या लिखा है हमारे खिलाफ। इस रुपए में तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बेटा। इस रुपए में नहीं तो इनके दिल में जरूर है कोई बात। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ शिकायत है सुरैया से? जी नहीं, मुझे क्या शिकायत हो सकती है, मैं तो उनकी मेहरबानियों का शुक्र गुजार हूँ। देखा, ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहे हैं तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। शाबाश, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग हो गए। बेटा, यतीम कौमी ताज के वो मोती हैं जिनकी कीमत दोनों जहान के खजाने से भी अदा नहीं हो सकती। तुमने यतीम का दिल दुखाया है, माफी मांग लो इकबाल से। जी नहीं, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ हुई है, इसलिए माफी मुझे मांगनी चाहिए। कसूर हमारा था इसलिए माफी हम मांगते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री और तुम्हें 17वीं सालगिरह मुबारक हो। खुदा करे तुम दोनों अपनी जिंदगी के बाग में बाहर ही बाहर देखो और इस घर की छोटी सी दुनिया में आफ्ताब महताब बनकर जगमगाते रहो। हजूर ने ही जर्रे को आफ्ताब बनाया है, अगर आपने सहारा ना दिया होता तो आज मैं कौम और जमीन पर एक बोझ होता। इसे खुदा की रहमत समझो बेटा, खैर से तुम डॉक्टर बन गए हो, जरा मेरे सर दर्द का भी ख्याल रखना। हाँ बेगम साहबा के सर दर्द की हम भी सिफारिश करते हैं, कोई ऐसी गोली ईजाद करना कि न सर रहे न सर का दर्द। हुजूर नवाब साहब को दो गोलियों की जरूरत होगी। आपने याद फरमाया है। जी तशरीफ लाइए। क्या हुक्म है? हमारी सालगिरह की खुशी में आपने कोई हिस्सा नहीं लिया? जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है शायद मैं सबसे आगे हूँ, और जहाँ तक नुमाइश का ताल्लुक है मैं वाकई सबसे पीछे हूँ। क्या मतलब? बानो, मैं शर्मिंदा हूँ कि इस मुबारक मौके पर मैंने सिर्फ दुआओं के फूल बिखेरे, लेकिन कोई ऐसा तोहफा ना पेश कर सका जो आपकी शान के लायक होता। तोहफे की क्या जरूरत है, माशाल्लाह आप तो खुद एक तोहफा हैं। जी क्या फरमाया? अब्बा हुजूर अक्सर फरमाया करते हैं कि इकबाल मियाँ एक तोहफा है जो कुदरत ने हमें अता फरमाया है, यकीन ना आए तो पूछ लीजिएगा उनसे। शुक्रिया, जा सकता हूँ? जाइए। ठहरिए, आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, इस खुशी में मैं आपको तोहफा पेश करती हूँ, इसे कबूल फरमाइए। हीरे की अंगूठी? एक हकीक तोहफा। मगर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता बानो। आप किस लायक हैं ये शायद आपको मालूम नहीं, हाथ बढ़ाइए। एक यतीम, एक लवारिस पर इतने करम, इतनी मेहरबानियां, क्या समझ कर उन्होंने इतनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दी, मैं इसे क्या समझू, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने इस घर का नमक खाया है, नवाब साहब और बेगम साहिबा ने मुझे औलाद की तरह पाला है, कदम डगमगा गए तो अंधेरे अकार में गिर पड़ूंगा, रास्ता खतरनाक है, मेरे इम्तहान का वक्त, परवरदिगार मेरी मदद करना, मैं किसी लायक नहीं। खुदा के लिए अपनी राय बदल दीजिए, बदल दीजिए अपनी राय मेरे बारे में, आपके दस्तरखान से चुने हुए टुकड़े खाने वाला इस इज्जत के लायक नहीं है बानो। हम नहीं पिएंगे।
जल्दी गर्म कर लाओ। आप आ गए? चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने गर्म करने के लिए भेज दी है। बैठिए। हॉस्पिटल का वक्त हो गया है, ना पी सकूंगा। शुक्रिया। ओ, आप? जी, बहुत देर से आना हुआ। इतना पान ना किया कीजिए कि सेहत खराब हो जाए। चलिए खाना खाएं। तो क्या अभी तक आप भूखी बैठी हैं? कोई हर्ज नहीं, अब खा लेंगे साथ साथ। आज कुछ तबीयत खराब सी है मेरी, ना खा सकूंगा। दो लुकमे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए मेज पर तो आइए। हजूर नवाब साहब ने याद फरमाया है, उनकी खिदमत में जा रहा हूँ। अस्पताल जाने की तैयारी हो रही है जी। मैं यूं ही चली आई थी, ख्याल था कि शायद आज आप अस्पताल नहीं जाएंगे। कोई काम हो तो फरमाइए। जी नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं। ओह, कहाँ गई थी? एक जरूरी काम याद आ गया था। क्या था वो जरूरी काम? तुम पूछ कर क्या करोगी? सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। क्या समझती हो? छेड़छाड़ तो तुम्हारी आदत हो गई है। हाय जाली, जरा कलेजी पे हाथ रखकर फिर से तो कहो। हमसे मजाक मत किया करो। रुकिए, मुझे मनाना भी आता है। एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब। क्या वाकई आपने दांत की बात की है? आपको कुछ शुभ है? शुभ तो नहीं, मगर ये बताइए, आप मरीज का मर्ज नब्ज़ देखकर पहचानते हैं या चेहरा देखकर? जरूरत पड़े तो नब्ज़, वरना चेहरा देखकर ही मर्ज का पता चल जाता है। तो फिर बताइए तो मुझे क्या हुआ है? आपको चेहरा उदास, रंग जर्द, आंखें भारी, शायद रातों को नींद नहीं आती। ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं या सुरैया के बारे में? मैंने तो आप ही के बारे में कहा। यहाँ आप फेल हो गए। नींद मुझे तो खूब आती है, मगर इस गरीब को नहीं आती रात रात भर। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे तो अच्छी तरह नींद आती है। जी हाँ, नींद तो आती है, मगर चौंक चौंक पड़ती है रात को। तो आपका मतलब है ये बीमार है? बीमार और बहुत बीमार।
उसे बैठे खाते पीते सोते जाते जब देखे इनका दिल धक धक किया करता है। अरे वाह, तुम्हारा दिल नहीं धक धक किया करता, इस पे इख्तियार थोड़ी है। तू चुप बैठ, डॉक्टर से छिपाएगी तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर साहब जरा इसकी नस को देखिए, देखिए देखिए नब्ज तो काफी तेज चल रही है, कुछ शिद्दत ही दिखाई देती है मिजाज में। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बेचारी तो जली फंस नहीं जाती है, जाने कैसी आग लग रही है दिल में इसके। मालूम होता है खून भी कम है। खून है कहाँ, वो तो कब का सूख चुका। जबान दिखाइए। जबान मुंह में होती तो रोना किस बात का था। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप उसकी बातों पर न जाइए। बच्चिया मिर्जा साहब, बादशाह पिट रहा है। जी हाँ देख रहा हूँ। अजी बच्चिया तो सही, चलिए बढ़िया। माशाल्लाह खूब चाल चले हैं आप, उल्टा हमें को चक्कर में डाल दिया। ये मिर्जा साहब की चाल है तुल्ला, मानते हैं भाई। बैठो बेटा, आज मिर्जा साहब से छिड़ गई है। एक बार जीत चुके हैं, दोबारा जीतने का ख्याल है। चाल चलिए हजूर। खादिम आदाब बजा लाता है। ओ मुंशी अमजद अली साहब, कहिए कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? हुजूर का इकबाल दूना हो, सिजर की उम्र पाए सरकार, जमालपुर में टाउन फूट पड़ा है। खुदा रहम करे। आपकी रियाया बस्ती छोड़कर कब्रस्तान आबाद कर रही है, अगर रोकथाम ना की गई तो सारा गांव उजड़ जाएगा। अल्लाह न करे, हम अपने महबूब रियाया को मरते न देख सकेंगे, तो रोकथाम बहुत जरूरी है, फौरन इंतजाम होना चाहिए। तो रोकथाम के लिए गुलाम चला जाए। तुम जमालपुर जाओगे, इस भड़कती हुई आग में कूद पड़ोगे। मुस्ताफी माफ हो, गुलाम ने डाकी सिर्फ इसीलिए पड़ी थी कि हल्के खुदा के काम आए, और ये खिदमत का बेहतरीन मौका है। मगर बेटा शहर में बेशुमार डॉक्टर मौजूद है, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? ये मेरे फर्ज की पुकार है किबला, इस खिदमत के लिए तो सिर्फ गुलाम ही को इजाजत दीजिए। तुम्हारी मर्जी, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। हौसला अफजाई का शुक्रिया। ओहो, तो आपने सच में जाने की तैयारी कर ली? जी हाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, एक मरीज तो घर में दम तोड़ रहा है और चले हैं गांव भर का इलाज करने। अजी हजरत, पहले इस गरीब का तो इलाज कीजिए। मुझे क्या हुआ है? तू चुप बैठ। हाँ साहब, तो फिर जवाब दीजिए मेरी बात का, इलाज सीधी तरह होगा या? आपके मरीज का इलाज मैं न कर सकूंगा। मरीज मेरा नहीं आपका है। यही सही, मगर मरीज की देखभाल आप मुझसे बेहतर कर सकती हैं। जब मसीहा ने हाथ उठा लिया तो मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ? जुबैदा, तू बहुत बढ़ कर बातें करना सीख गई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिगड़ गई और मैं बुरा न मानूंगी, जानती हूँ कि मरीज का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। संभाली डॉक्टर साहब अपने मरीज को, मैं चली। किस तकलीफ जा रहे हैं आप? जी। किसी और को क्यों नहीं भेज देते, वहाँ तो खतरा ही खतरा दिखाई देता है। दुरुस्त है, मगर जब वो गरीब मौत की हिस्सियाँ ले रहे हैं, मैं जिंदा रहते हुए शर्म महसूस करता हूँ। नसीबे दुश्मना, अगर आपको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, मैं आपको ना जाने दूंगी। न रोकिए, ये मेरे फर्ज की पुकार है बानो। फर्ज की पुकार उधर भी है इधर भी, आप दूर की आवाज तो सुन लेते हैं लेकिन पास की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती आपको? ऐसा न कहिए, आपके इशारों पर मैं जान तक दे सकता हूँ, लेकिन मैं और किसी बात के लिए मजबूर न करूंगी, मगर वहाँ न जाइए। आप कहती है मुझे जान जोखिम में न डालनी चाहिए, फर्ज कहता है मौत से जंग करने के लिए मुझे मैदान में कूद पड़ना चाहिए। बेकस और बेवा औरतें, कंचन और यतीम बच्चे, बूढ़े वाला चार माँ बाप फरियाद कर रहे हैं, सिस्कियां ले रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, खुदा अपनी गरीब आया की फरियाद सुनिए, उनकी बेबसी पर रहम खाइए, ये मेरा नहीं आपका फर्ज है। बहुत अच्छा, मैं आपको नहीं रोकती, जाइए, खुदा आपका मददगार हो।
डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बाबा दम तोड़ रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए, खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हमीदा मेरी बेटी तू कहाँ है? ये देखिए, खुदा के लिए इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। फिक्र ना कीजिए, ये बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ये दवा, इन्हें दो दो घंटे के बाद पानी बराबर पिलाती रहिएगा। पानी? ओह, मेरा मतलब है दवा। इन्हें दो दो घंटे के बाद दवा बराबर पिलाती रहिएगा, जरूरत पड़े तो मुझे फिर याद कर लीजिएगा। रास्ता इधर है डॉक्टर साहब। ठहरिए, आपका बैग। ओह, मैं दरअसल कुछ खोसा गया था। शुक्रिया। खोसा गया था? क्यों? अदा वो नाज को दालिम तेरी शमशीर कहते हैं। क्या हुआ है मुंशी जी को एकाएकी? कल तक तो भले दंगे थे। जल्दी निकल आई है, ताउन हो गया है। ताउन? बाप रे। आपने एक दिन कहा था, न सर रहे न सर का दर्द। जब मुआ सर का दर्द दूर नहीं होता तो सर क्यों सलामत है? बिस्मिल्लाह कीजिए, तलवार कमरे में धरी है। जरा आपकी तकलीफ कीजिए। मैंने कहा था ना, तवज्जो कम हो गई है तुम्हारी, मरना चाहती हो? मगर तलवार तो आप याद दिला रहे हैं, निगाह बदली हुई नहीं तो फिर क्या है? बेगम, न हम मरेंगे न तुम्हें मरने देंगे। अरे अभी तो हमें सुरैया और इकबाल की खुशियाँ देखनी है। मेरा भी यही जी चाहता है, खुदा उसे खैर से लाए। आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि खतरा टल गया, आप अच्छे हो गए। आपने बिन्ना की बच्ची को
यतीम होने से बचा लिया। खुदा आपकी मुरादें पूरी करे। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने बड़ा करम किया है हमारे हाल पर। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इजाजत, खुदा हाफिज़। आपका बैग। ओह, जाने क्या हो जाता है मुझे यहाँ आकर। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि आप में और फरिश्ते में क्या फर्क। अगर मैं फरिश्ता हूँ तो आप हूर हैं। जी जी। जा रही है किसी को की। फिर तो हम देखेंगे और जरूर देखेंगे। हम नहीं दिखाएंगे, हर चीज नहीं दिखाएंगे। अच्छा तो मैं भी चली ढंडोरा पीटने। अरे ठहरो, सुनो तो। नहीं, हम जाते हैं। अच्छा तो मैं सुनाई देती हूँ। सुनाओ। मेरे दिल के मालिक। हाँ हाँ, मेरे दिल के मालिक,
मेरी उम्मीदों के मरकज, मेरी उम्मीदों के मरकज, मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी जिंदगी, मेरी रूह। कनीज का सलाम शौक कबूल हो। वालेकुम सलाम, कुछ आगे भी कहोगी? जी हाँ, करती हूँ। लिखा है, दिल की दुनिया सुनी पड़ी है, बहार का मौसम, ठंडी हवाएं, काली घटाएं, बुलबुल के नगमे, कोयल की कूक, पपीहे का शोर, कौओं की काएं काएं, मेंढक की ताएं ताएं। आखिर ये क्या बकवास है? बहुत अच्छा सरकारी है ये। लीजिए दस्तखत फरमाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि नाजुक सी मोहब्बत का नाजुक सा फसाना है। बाकी मतलब डॉक्टर इकबाल खुद समझ लेंगे। दस्तखत फरमाइए, डाक का वक्त हो गया। तुम हद से बढ़ गई जुबैदा। बिगड़ गई मेरी तौबा है सरकार, कत्ल कर डालो उन्हें या जुर्म उल्फत बख्श दो। लो खड़े हैं हाथ बांधे हम तुम्हारे सामने। बेगम, सुना तुमने? इकबाल लिखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमालपुर की हालत सुधरती जा रही है। ये सब उसी की मेहनतों का नतीजा है। बड़ा शरीफ और नेक लड़का है। हमारी भी यही राय है। रात मैंने एक ख्वाब देखा था। खैरियत का ख्वाब था? देखा घर में जश्न हो रहा है, आप और हम फूलों में लदे हैं, बाजे बज रहे हैं। ख्वाब तो बहुत अच्छा है, अगर फिर से दुल्हन बनने का ख्याल है तो बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। जी नहीं, इस ख्वाब की ताबीर कुछ और है। वो क्या? सोचिए। सोच लिया। बताइए। पहले तुम। मेरी गुड़िया और आपका गुड्डा दोनों में ब्याह रचेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, माशाल्लाह, अभी बच्चे ही तो हैं हम दोनों। बेगम, अगर अपनी उम्र तुम्हें याद नहीं तो हमारी दाढ़ी का तो ख्याल करो। अजी सरकार, मेरा मतलब है। एक मुसाफिर का हकीर नजराना, एक गरीब का नाचीज तोहफा। आज का समय कितना सुहाना है, हर तरफ बहार ही बहार है। ऐसे में कोई गाने लगे तो दिल झूम झूम उठे। आप जानती हैं गाना? जी थोड़ा सा। सुन सकता हूँ? क्या गाऊं? जो जी में आए, देहाती लड़कियां जो गाया करती हैं। एक देहाती गीत मुझे याद है, ऐसे में वही गाया जाता है, वही सुनाती धड़के।
करके बहाना, न बने दो दिलों का फसाना, न बने दो दिलों का फसाना। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के। दिल धड़के आँख मुड़ धड़के, चले जाना ना देखो जिस छड़के, दिल धड़के। तो गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ, खूब रोशन कर रही हो बूढ़े बाप का नाम। आदाब से डॉक्टर साहब, आप इस गांव में बीमारों का इलाज करने आए हैं या भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने? अगर हुजूर नवाब साहब को मालूम हो गया तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? देखना चाहती हो क्या होगा? ये हसीन ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे, हम अपने गाँव की आबरू लुटते नहीं देख सकते। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मगर वो बड़ा लुच्चा है। मैं उसका इंतजाम करूंगा। शेर के मुंह का निवाला चूमने के लिए शेर से ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। मैं अपने रकीब का सर कुचल दूंगा। ओ तुम, मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया हूँ। करोवर, मैं सुन रहा। एक नेक और शरीफ लड़की की इज्जत का सवाल है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसे बदनाम न करेंगे? 10,000 निकालो फिर बात होगी। खामोश रहने की कीमत 10,000? हमीदा की इज्जत अगर 10,000 में महंगी है तो तुम अंधे हो। बेहतर, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन चंद दिनों की मोहलत चाहिए। हम उधार नहीं किया करते, दाम अभी चुकाने होंगे। फिलहाल ये अंगूठी अपने पास रख लीजिए, रकम देकर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। ताकि अंगूठी देकर दिलावर को टरकाना चाहते हो? इसमें हीरा जड़ा हुआ है, बहुत कीमती चीज है। हीरा जड़ा हुआ है? ओहो, अब तुमसे बहस कौन करे। हाँ जी, नौ नगद ना तेरा उधार, अपन तो झटपट फैसला करने के आदि हैं। वादा तो याद रहेगा? वादा तो वादा, तुम फिक्र न करो यार, बेचारी की इज्जत का सवाल है। शुक्रिया, इजाजत। शौक से तशरीफ ले जाइए, शौक से। क्या बात है बेटा? दिलावर का घर में आना जाना बंद कर दीजिए अब्बा जान, वो बड़ा कमीना है। मैं जानता हूँ, वो बड़ा खराब आदमी है बेटा। कभी रास्ता रोक लेता है, कभी आंखों से इशारे करता है, कभी बुरे बुरे गाने गाकर सुनाता है। जान आफत ने घेर रखी है कमबख्त में। फिक्र ना कर बेटा, अब वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं था कुछ भी, नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं था कुछ भी, नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहे काहे मुदी, जी चाहे काहे मुदी, ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं था मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। हासिल है यूं था मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। लेकिन सी बुलाई, लेकिन सी बुलाई हूँ इस तो द्वार का,
ताना लिख रही हूँ, अब ताना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। डॉक्टर साहब की बीमारी की खबर हमें जिस कदर जल्द हो सके नवाब साहब तक पहुंचा देनी चाहिए। शेर खान तुम ही जाओ भैया, मुझे डॉक्टर साहब की देखभाल के लिए यहीं रहना चाहिए। ओहो, क्या हुआ है डॉक्टर साहब को मुंशी जी? गिल्टी निकल आई है, ताऊर हो गया है। ताऊर? ताऊर? खुदा खैर करे। नसीबे दुश्मना, अगर इकबाल को कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। उसे फौरन वापस ले आइए, आज ही, अभी, इसी वक्त। आजाद करके बहुत रोएंगे उनको।
रोएंगे तुमको हम याद करके। आहा, नसीब की बात है, बेचारा गांव वालों का दुख दर्द मिटाने आया था, खुद ही शिकार हो गया। मैंने लाख जतन किए, रात भर खिदमत में लगा रहा, मगर मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तुम्हें बहुत याद करता था, तुम्हारा ही नाम लेते लेते वो बेहोश हो गया। अब क्या होगा? अच्छा हो जाएगा, घबराओ मत। हाँ, खूब याद आया, लो ये अंगूठी। कैसी अंगूठी? पहचानो, ये उसी की अंगूठी है, निशानी। मगर तुम्हारे पास कैसी आई? उसी ने दी थी, बोला हमीदा को दे देना। उन्होंने दी है? और मैं कहाँ से लाता, लो पहन लो इसे। खुदा करे वो अच्छे हो जाए, कोई खतरे की बात तो नहीं? खतरा काहे का, शहर में एक से एक डॉक्टर मौजूद हैं। हाथ बढ़ाओ। बुखार अभी तक तेज है, मैं बदलती हूँ पट्टी, तुम थोड़ा आराम कर लो जाकर। मैं जरा भी नहीं थकी अम्मी हुई, आप तो खामखा फिक्र करती हैं। जरा आईने में चेहरा तो देख जाकर, दो दिन में क्या से क्या हो गया है, न खाना न पीना न आराम। भूख भी तो नहीं लगती? तुझे तो न भूख लगती है न नींद आती है, लेकिन मैं तुझे अब न बैठने दूंगी, जा आराम कर। बारे इलाहा, अगर जान का सबका जान है तो मेरी जान हाजिर है, उन्हें अच्छा कर दे। तुझको शाहे अंबिया का वास्ता, हर शहीद करबला का वास्ता, उनको सेहत दे मेरे परवरदिगार, दिल मेरा रहता है हरदम बेकरार। पानी तो पिला दो बेटा। मैं इंसान मन हूँ। इंसान का फर्ज है कि वो इंसान की खिदमत करे, फर्ज ना शुक्रिया का मोहताज है ना इनाम का। बाग की फिजा आज फिर रंगीन दिखाई देने लगी, चकोर और चांद की बातें, मई मई कबाब में हड्डी बनने कहाँ से आ गई, माफ करना। ठहरो जुबैदा, वापस आओ। काहे को झूठ में बुला रही हो, रंग में ढंग डालना अच्छा नहीं होता। ना बाबा ना, मैं चली। रात मैंने फिर एक ख्वाब देखा है। सर में तेल डाला करो बेगम, तुम्हें खुश्की हो गई है। खुश्की? जी, डर है तुम्हारे ख्वाब एक दिन इल्हाम न बन जाए। इल्हाम न समझिए, मैंने देखा मेरी गुड़िया और आपकी गुड्डे में। ला हौले बिला कुव्वते इल्ला बिल्ला, बूढ़ी हो गई मगर बचपन न गया। कभी गुड़िया बुड्ढों का खेल, कभी ख्वाबों का जिक्र, कुछ सोचने भी दोगी?
जी जमाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो भी जमाना याद करो। दिल को लगा के हमसे आंखें चुरा के, दूर गए हो जब से आए न जाके, सुख के जहाँ पर मिलते थे हम तुम हाय वो भी ठिकाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो भी जमाना याद करो। कहीं भूल न जाना, तीर चले थे नजरों के जिस पर हाय वो भी निशाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो भी जमाना याद करो। हाथों में आके दामन टूट न जाए, ये दो दिलों के रिश्ते टूट न जाए, दिल से कभी जो दिल ने कहा था हाय वो भी फसाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे, हाय वो भी जमाना याद करो। देख रही हो बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि कोई चिट्ठी आई है या नहीं। जी बेटा, अपने बाबा से कहना कि चिट्ठी आएगी तो पहुंचा दी जाएगी। हाँ जी। आदाब बजा रहा था चाचा जान। हमीदा शरीफ, तुम्हारा बार बार यहाँ आना ठीक नहीं है दिलावर, मुझे ये हरगिज हरगिज पसंद नहीं। आपने ठीक कहा, दामाद का ससुराल में रोज रोज आना वाकई बुरी बात है। जबान संभाल के बात करो जी, एक बदमाश और लुच्चा मेरा दामाद नहीं बन सकता। 5 बरस से तरखा रहे हो, आज मैं लुच्चा दिखाई देने लगा। लुच्चा नहीं तो क्या है तू, निकल जा मेरे घर से। दिलावर छवला जिना तुझे भारी पड़ेगा बुढ़े। मैं अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना भी जानता हूँ। ये गीदड़ धपकिया किसी और को दिखाना, मैं श्री चाकू से डरने वाला नहीं। तेरी मौत तेरे सर पर खेल रही है। अबे जा मौत के बच्चा। खुदा मगफरत करे, बहुत नेक और वफादार आदमी थे मुंशी अमजद अली। हमें उनकी यतीम बच्ची की दिलजोई के लिए फौरन वहां जाना चाहिए। सब करो बच्ची, खुदा को यही मंजूर था। हम जानते हैं कि अब तुम दुनिया में अकेली रह गई हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें यह महसूस न होने देंगे कि तुम यतीम हो। हमारे साथ चलो,
आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। किसी का इंतजार है? जी। कौन है वो खुश नसीब? जी। मैं पूछ रही हूँ किसका इंतजार हो रहा है? हजूर नवाब साहब की राह देख रहा हूँ। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। बंदी तस्लीम मत करती, जीते रहो बेटा, अल्लाह उम्र दराज करे। ये मुंशी अमजद अली मरहूम की इकलौती बेटी हमीदा है। सुरैया, इसकी दिलजोई और देखभाल आज से तुम्हारे जिम्मे है बेटा। बहुत बेहतर, आओ बहन। यकीन होना भी एक अजाब है। मुंशी अमजद अली मरहूम की खिदमत का ख्याल करते हुए हम इस यतीम बच्ची को अपने साथ ले आए। अच्छा हुआ, जवान लड़की का अब वहाँ कौन था। ये तुम्हारा कमरा है, कुशादा और हवादार, आराम से बैठो, मैं बातें इंतजाम करती हूँ। की खबर सुनकर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी थी। रह रहकर तुम्हारा ख्याल आता था। हजूर नवाब साहब तुम्हें यहाँ ले आए, बहुत ही अच्छा हुआ। अब कैसी है तबीयत? जी रही हूँ। आपने तो अपनी खैरियत के दो हर्फ ही नहीं लिखे। किसी पर क्या गुजरी ये जानने की जरूरत ही क्या थी आपको? ऐसा ना कहो हमीदा, तुम्हारी याद हर वक्त मेरे दिल में चुटकियां लिया करती थी, मगर मजबूर था, बीमार था। अब कैसी है तबीयत? तन का रोग तो जाता रहा, मन का रोग अभी तक बाकी है, और उस रोग की दवा सिर्फ तुम हो। वही आंखें, वही मासूमियत, वही अंदाज। मैं अच्छा हो गया हमीदा, बिल्कुल अच्छा हो गया। ये अंगूठी बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे हाथ में। जब से मिली है सीने से लगाए बैठी हूँ, टूटे हुए दिल का यही एक सहारा है। गांव बहुत याद आता है। कैसे न याद आए, वो बीते हुए दिन, वो हंसती हुई घड़ियां, तो आज की मेरी आंखों के सामने। वापस जाने को जी चाहता है? काश ऐसा हो जाए। मैं नवाब साहब से तुम्हारी सिफारिश कर दूं? अगर नवाब साहब राजी हो जाएं, तो उजड़ा हुआ घर फिर आबाद हो जाए मेरा। तुम्हारा घर आबाद हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। हमाम तैयार है, गुसल कर लो बहन। जी आइए। मैं इसे क्या समझूं? आप जो चाहें समझें,
मगर आपका हर तरफ दिखते रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी तस्वीर सिर्फ आप ही के कमरे में रहनी चाहिए। शुक्रिया, आपके इशारों पर चलना तो मेरा फर्ज है। आप इशारे समझते हैं? जी, क्या फरमाया? हाय तौबा, मेरी आंखें फूट गई थी मेरी, भला इस वक्त मेरा यहाँ क्या काम? जुबैदा। जी सरकार। कहाँ जा रही हो? वापस। वजह? सरकार खाना नोट फरमा ले, मैं इंतजार करती हूँ दूसरे कमरे में। चटनी के बगैर खाना मजा नहीं देता, समझी? मैं चटनी सुन सरकार, इकबाल मियां तो फिर अचार होंगे। बंदा तो रोटी का सूखा टुकड़ा है जो इस दस्तखान के काबिल ही नहीं। और आप तो माशाल्लाह फिरनी है फिरनी, मालूम होता है बहुत भूख लगी है तुम्हें। आपका बरकत से खा ली, बहुत चर्ब जबान हो गई हो, बैठ जाओ। बैठ गई। कुछ ताजा खबरें? सरकार ना मैं रेडियो हूँ ना अखबार। कुछ बातें करो। बंदी को बातें बनाना भी नहीं आता, गाना आता है वही सही। समझी, एक की कहानी दूसरे की जबानी, बहुत बेहतर, सुनाते हैं। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है। लगी है आग सीने में, मेरी खुशबू सीने में, मगर कुछ से नहीं सकती, कहे दिन में नहीं सकती। तुम्हे क्यों पर मैं समझाऊं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मचलती है तमन्नाएं, कहीं रुकवाना हो जाए, कहीं रुकवाना हो जाए। मुसीबत उलझने दिल की, कयामत धड़कने दिल की, तुम्हें क्यों कर मैं समझाऊं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है।
आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। मेरी तरफ देखिए। बात जुबान से कही और कान से सुनी जाती है, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि कल तक जिन आंखों से मोहब्बत बरसा करती थी, आज उन्हें बेरुखी क्यों झलक रही है? दिल शीशे की तरह नाजुक होता है हमीदा, ये टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। आपका दिल तोड़ा है मैंने? हाँ, उस हमीदा ने जिसके चेहरे पर आज भी मासूमियत बरस रही है। मुजरिम को पहले जुर्म बताया जाता है, सजा बाद में दी जाती है। आप सजा दे रहे हैं लेकिन जुर्म नहीं बताते। जुर्म जानना चाहते हो तो बताओ, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? दिलावर ने, और भला कौन देता? तो फिर मेरा शुबा दुरुस्त निकला, इस नए इंतखाब पर मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं। ये आप कह रहे हैं? जी, इकबाल हमीदा से कह रहा है। तो फिर मुझे भी ये कहने की इजाजत दीजिए कि आपने हमीदा को समझने में भूल की है। एक अंगूठी तो क्या, हमीदा कारून के खजाने से भी नहीं खरीदी जा सकती। मैंने तुम्हें जान लिया है, अब मैं फरेब नहीं खा सकता। आप जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ, एक मजबूर और लाचार औरत। तुम औरत नहीं, नागल हो। इस नए खिताब का शुक्रिया। अब एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ? तुम क्या पूछना चाहती हो? ये अंगूठी आपने दिलावर को दी थी? जरूर दी थी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारे हाथ की जीनत बने, बल्कि जुर्माना अदा किया था उस हसीन ख्वाब का कि जिसकी ताबीर तुम हो। मैंने इस अंगूठी से दिलावर को खरीदना चाहा, लेकिन उसने तुम्हें खरीद लिया। हमीदा एक बार जिसके हाथों बिक चुकी। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है और हमीदा उस मंजिल से गुजर चुकी है। तो फिर दिलावर का दिया हुआ तोहफा तुमने क्या समझकर कबूल किया? उस फरेबी ने तो ये कहा था कि ये आपकी निशानी है, और यही समझकर मैंने इसे कबूल किया था। अगर ये उस शैतान की अंगूठी है तो बिच्छू के डंक से ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए। मैं इसे अपने हाथ में न रखूंगी, मैं इसे अपने हाथ में न रखूंगी। मुझे किस कदर धोखा। मैं उस शैतान के हथकंडों से वाकिफ न था। मैंने फरिश्ते की तरह नेक और फूल की तरह पाक हमीदा को छुपा दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ हमीदा, माफ कर दो, सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे। आप फिर रोने लगे? खुदा के लिए मत रोइए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देती। बंदी तस्लीम मत करती है। तस्लीम? यार दीदी है, कैसी नमाज अदा हो रही है? जी आज जरा देर हो गई। ज्यादा करती हो रात भर? जी ये बात तो नहीं, नवाब साहब की शफकत और आपकी मेहरबानियों ने मुझे आराम तलब बना दिया है, इसलिए फर्ज की अदा करने में भी देर हो जाती है। खैर आओ नाश्ता करें। चलिए। अरे जुबैदा, तू कब आई? खाने में बोला मना, फिर तू कहीं की। लो हमीदा। तो आपके हाथ में है। ओह, मैं भी कितनी अंधी हूं। गजब खुदा का, घर में चोर घुसाया है और तुम खामोश बैठी हो। मैं कर ही क्या सकती हूँ। हिफाजत न की जाए, रोकथाम न हो तो इंसान बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने में भी एक लज्जत है सुजाता। पागल न बनो, तबाह हो जाओगी, सबसे कीमती चीज छिन जाएगी तुम्हारे हाथ से। कुछ हस्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें पानी से ज्यादा खोने में मजा आता है।
मैं तुम्हारी अंगूठी के बारे में कह रही हूँ। जानती हो वो कहाँ पहुँच गई है? जानती हूँ। उस नमक हराम छोकरी की हिम्मत तो देखो, जिस दरख्त के साये में बैठी है उसी की जड़ काटने चली है। मगर मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी। जुबैदा, जुबैदा ठहरो, लौट आओ जुबैदा। क्या देख रही हैं आप? मैं ये देख रही हूँ कि जो जलजला इस घर में आया है उसका असर इस चार दीवारी पर भी हुआ है या नहीं। कैसा जलजला? कब आया है जलजला? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं। तुझे क्यों मालूम होने लगा कोच? भौचाल बनकर दरो दीवार हिला डाले हैं तूने, आग लगा दी है एक हरी भरी फुलवारी में और अब अनजान बनी बैठी है। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं बाजी? किसकी दुनिया उजाड़ी है मैंने? ये पूछ अपने दिल से, जिसने मकर फरेब का जाल बिछा रखा है तो वो नागल है जो अपने पालने वाले को डसने चली है। उतारिए अंगूठी। अंगूठी? हाँ हाँ अंगूठी, जो सुनहरे ख्वाब तू देख रही है वो किसी दूसरे के हसीन ख्वाब की ताबीर है। उतारिए अंगूठी। के क्या जवाब दूं? मैं अंगूठी का पूछ रही हूँ, नौकर चाकर की नजर पड़ गई तो बात समझिए। नौकर लेकर क्या करेंगे? तो फिर ढूंढिए, आप तो मेरा मुंह तक रहे हैं। मगर जाएगी कहाँ? फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, खुदा जाने कहाँ रख दी है। अजब चक्कर में पड़ गया। वाकई ताज्जुब है। पसीना पहुंचिए, पसीना पहुंचिए हुजूर, पसीना। पर अब आ जाए तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। रात हमने भी एक ख्वाब देखा है। ख्वाब? कहीं आपको भी तो खुशकी नहीं हो गई? मजाक छोड़ो बेगम, हमने देखा है कि चांद को ग्रहण लग रहा है। माशा अल्लाह, सारी उम्र में एक तो ख्वाब देखा, वो भी इतना भयानक। हम इसे किसी आने वाले खतरे का पेशगीमा समझते। बंदी तो आपको खुद खतरों से खबरदार कर चुकी है, लेकिन आप कान कब धरते हैं? तुम्हारा मतलब? वही तो आपका है, पहेलियां बुझाती हो। साफ साफ तो आप भी नहीं कहते, चांद को ग्रहण लगने से पहले पहले ही इंतजाम कर लेना चाहिए। यही सोच रहे हैं? बहुत अच्छा, सोचते रहिए, मैं चली मैके। बेगम, आप सोच लीजिएगा तो मुझे बुलवा भेजिएगा। हमने सोच लिया है बेगम। बताइए। इधर आओ तो बताएं। जरा हमारा सर तो दाबो। आह,
तुम्हारी आंखों में सावन भादों की झड़ी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है हमीदा। ये मुस्कुराती हुई कली मुरझाया हुआ फूल कैसे बन गई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए खुदारा। नहीं नहीं, तुम्हें अपना दर्द बताना होगा। एक बेकस का मजाक ना उड़ाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा अगर तुम्हारे आंसुओं का तार ना टूटा। मैं इस तार से अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ रही हूँ, मेरा हाथ ना रोकिए। मगर क्या हुआ है तुम्हारे दिल को, ये तो बता दो। उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, और बर्बाद भी उस मेहरबान के हाथों हुआ है जिसने इसे आबाद किया था। यकीनन तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हो। और अब गलत फहमी का शिकार ना बन जाऊं, यही सोचकर मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मैं अपनी हस्ती को अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारी हस्ती मेरी उम्मीदों का मरकज, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इश्क की इंतहा है हमीदा। मुझे बहलाने की कोशिश न कीजिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें फरेब दे रहा हूँ? जी नहीं, मैं जानती हूँ आप धोखेबाज नहीं, फरेब तो मैंने खाया। ये तुम क्या कह रही हो हमीदा? तुम्हारा एक एक लफ्ज तीर नश्तर बरछी भाला बनकर मेरे सीने में उतर रहा। आखिर किस जुर्म की सजा है ये? मुजरिम आप नहीं मैं हूँ, मेरी ही भूल थी जो पराई चीज को अपना समझ बैठी। मैंने आपकी निशानी वापस कर दी। शायद तुम्हें इस अंगूठी से बदगुमानी हुई है, मगर यह तो एक तोहफा है उस शहजादी का कि जिसके दर का मैं भिखारी हूँ। सुरैया मेरी आकाजादी है, मोहसिन है, हमदर्द है, मेरा और उसका जोड़ मखमल में टाट का पैबंद है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, मगर खुदा जानता है मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो सिर्फ इकबाल और हमीदा ही कर सकते हैं। मगर जुबैदा बहन तो इस कहानी को किसी और ही ढंग से सुनाती है। जुबैदा एक अल्लड़ और नादान लड़की है जो न दिल की हकीकत जानती है न दिल का राज। मोहब्बत की दास्तान न उसने कभी सुनी है न उसका मतलब ही समझती है। वो हमारे जज्बात को क्या समझे? मेरी जिंदगी की नाव मझधार में न डूब जाए, मुझे रह रह कर यही ख्याल आता है। हवा मुखालिफ नहीं, समंदर में तूफान नहीं, फिर नाव क्यों डूबेगी हमारी? जब दिल एक है, इरादे नेक हैं, तो रास्ते की आई हुई हर बला टल जाएगी। तूफान के आने से पहले समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं। डरती हूँ सुरैया बाजी नाराज ना हो जाए। हरगिज नहीं, तुम सुरैया बानो को नहीं जानती। वो नेक दिल और आली जर खातून है, वो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार न बनेगी। हालत हमसे देखी नहीं जाती, क्या तकलीफ है बताओ? वाला जान, वक्त बर्बाद न कीजिए, हकीम साहब को बुलवाइए जल्दी से। कल तक बिल्कुल अच्छी भली थी, अचानक बीमार हो गई है। न आप खोलती है, न बात करती है, न कुछ हाल बताती है। कोई खतरे की बात तो नहीं है हकीम साहब? मामला खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। हमारे ख्याल में साहबजादी को दिख है। दिख? माफ कीजिए, साहबजादी को दिख नहीं, सिल है। नो नो नो, ना दिख है ना सिल, अनीमिया कहिए, पतला हो जाता है खून। आप सबकी राय अलग अलग है, इलाज किस चीज का होगा ये तो बताइए। गौर करना पड़ेगा, जब तक हम लोग किसी नतीजे पर न पहुंचे आप साहबजादी को माउल हयात इस्तेमाल कराइए। एक्सक्यूज मी, लीवर एक्सट्रैक्ट के 2 चम्मच, यू नो टी स्पून, बेहतरीन इलाज है। सुरैया आंखें खोल मेरी बच्ची, तेरी बीमारी से सारे घर पर उदासी छा गई है। अपनी माँ से दो बातें तो कर उठकर। क्या बताते हैं हकीम, कोई खतरा तो नहीं है? खुदा बेहतर जानता है, दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। मायूस तो नहीं कर दिया? क्या बताएं,
चलो नमाज का वक्त हो गया। कैसी है तबीयत बानू की? देख लीजिए, नब्ज बहुत तेज चल रही है। इस गरीब की जान बचा लीजिए। इनकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। हमें इसकी जिंदगी के साथ आपकी जान की भी जरूरत है, दुआ कीजिए। ये हाथ इस घर के बच्चे बच्चे की सलामती के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं कोई कसर उठाना रखूंगा। सुरैया मेरी सखी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तूने आंखें खोली। बता तो सही क्या तकलीफ है तुझे? किस तूफान को समेटे बैठी है अपने दिल में? क्यों ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर दहक रही है? तेरा कुमलाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ रंग, बीमार आंखें मुझसे नहीं देखी जाती। खुदा के लिए कुछ तो बोल। परेशान न करो सुबैदा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। मेरी मौजूदगी से तुम्हें तकलीफ होती है? अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। हमीदा। बाजी। मेरे पास बैठो। उलझे हुए ख्यालात को बदलने की क्या सूरत हो सकती है? दिल बहलाने की कई सूरतें हैं बाजी, सैर, तफरी, नाच, गाना। गाना? गाने में जादू का असर होता है, वो खुशी को बढ़ाता है और गम को दूर करता है। वो जख्मों का नमक भी बन सकता है और मरहम भी। कोई ऐसी चीज सुनाओ हमीदा जो मेरे दर्द की दवा हो जाए, जो बीमार दिल का इलाज बन सके। लगा दो
सहारा दिल का सुकून ही मेरा सहारा दुनिया में सब छीना चाहे मदीना बीच घर में बीच घर यहाँ से जा रही है खाला जान, अगर आपने तवज्जो न की तो वो इस दुनिया से नामराद हो जाएगी। उसका इलाज हकीम या डॉक्टर नहीं कर सकते। मसीहा घर में मौजूद है, रोग जानता है, मरज पहचानता है। अगर वो अपने हाथ से एक हाथ भी रख देगा उसके जख्म पर तो वो फौरन अच्छी हो जाएगी। क्या कर रही हो जुबेदा? क्या मतलब है तुम्हारा? जुबेदा की न कोई सुनता है न सुनेगा। देर हो गई तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। अब भी इकबाल भैया को उसके इलाज के लिए राजी कर लीजिए। सुरैया का इलाज वही कर सकते हैं। मगर बेटा, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम इलाज कर रहे हैं, इकबाल तो उनके सामने कल का बच्चा है। हाय अल्लाह, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? सुरैया का इलाज आपके डॉक्टरों और हकीमों के पास नहीं, सिर्फ इकबाल के पास है। वो इकबाल भैया को दिलो जान से चाहती है। जुबेदा, ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ खाला जान, यही आग है जो सुरैया के तन मन को फूंक रही है। मैं समझ गई, मेरे बच्चे ठंडी आग में जलकर भस्म हो जाती है। मगर ये राज तुमने आज तक मुझसे क्यों छुपाया? कैसे बताती, खानदान की इज्जत का सवाल था। इस बाल और सुरैया की शादी से खानदान की इज्जत पर बट्टा नहीं लग सकता। मैं इंतजाम करती हूँ। हमीदा, अब कैसी है तबीयत बानों की? बहुत बेचैन है, आंखें दरवाजे पर लगी हैं। ऐसा मालूम होता है किसी का इंतजार है। क्या होने वाला है? कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब कुछ जान गई हूँ, सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप सुरैया बानों का दामन थाम कर इस खानदान के एहसानात का बोझ उतार दीजिए। हमीदा, ये तुम कह रही हो? हमीदा का दिल एक शरीफ इंसान का दिल है। मैंने इस घर का नमक खाया है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है तुमसे। आप मेरी फिक्र ना कीजिए। खुदा की कसम, सुरैया बहन को सुहागन देखकर मुझे इतनी खुशी होगी जितनी अपना सुहाग देखकर भी नहीं हो सकती। एक तरफ फर्ज है, दूसरी तरफ मोहब्बत। मैं किधर जाऊं? मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। आप सुरैया बहन से शादी कर लीजिए। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहस ना कर सकूंगा तुमसे। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। बैठो मेरे पास। सुरैया, आंखें खोल मेरी बच्ची। मैंने तेरे रोग की दवा पा ली है, अब तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। बुढ़ापा आ गया है, अब मुझे रोकने की कोशिश न कीजिए। अपनी माँ के कलेजे पर तीर न मार बेटा, तेरा बाप दीवाना हो जाएगा। तेरी माँ सब हो लेगी अपना, ये घर वीरान हो जाएगा। मैं तुझे सुहागन बनाने के ख्वाब देख रही हूँ बेटा। ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है अम्मी हुजूर, इंसान की सब मुरादें पूरी नहीं होती। मैं कुर्बान, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। मायूस क्यों होती है मेरी बच्ची? खाला जन, इधर आइए जल्दी से। एक बार भैया राजी हो गए हैं, शादी आने बजेंगे। सच? बिल्कुल सच। हाँ
सुल्ताना, ये सब क्या हो रहा है? तुझे मुबारक हो, घर में शादी है, खुशियां मनाई जा रही हैं, ब्याह रचाया जा रहा है इकबाल भैया का। बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, मैं भी देख लूंगी ये ब्याह। अरे बावली, तेरा ब्याह हो रहा है इकबाल भैया के साथ। चल मैं तुझे दुल्हन बनाऊं। मेरा ब्याह? ऐसा ना कहो जुबैदा, मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती। तो क्या तुम इकबाल भैया से मोहब्बत नहीं करती? ये मैंने कब कहा था कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो मेरा फर्ज क्या ये है कि अपनी खुशी पर दूसरों की खुशियाँ कुर्बान होते देखूं? ये उस वक्त पूछूंगी जब तेरी शादी होगी, जब तू सुहाग का जोड़ा पहनेगी। सुहाग का जोड़ा? क्या शादी के बगैर मोहब्बत अधूरी रह जाती है? तुमने मुझे गलत समझा है जुबैदा, नादान की दोस्ती कितनी बड़ी दुश्मनी होती है ये आज मालूम हुआ। इश्क और मुझ छिपाए नहीं छुपते, समझी? तूने मुझे बदनाम कर दिया है। अब्बा हुजूर क्या समझेंगे, अम्मी क्या ख्याल फरमाएंगी, हमीदा के दिल पर क्या गुजरेगी? तूने मुझे कहीं का नहीं रखा जुबैदा। हाय मेरे अल्लाह, अब तुम्हें कौन समझाए, तुम तो हमदर्दी को भी दुश्मनी समझती हो। इस हमदर्दी का शुक्रिया, मगर जो बात तुम समझती नहीं उसमें उलझती क्यों हो? अब तुम कुछ भी कहो, मगर ये शादी होगी और जरूर होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे तो जुग जुग जिए, दूधो ना है तू तो फले, आज मैं तुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाऊंगी। अम्मी हुजूर, देख तो हाथ का जोड़ा तेरे मनपसंद बनवाया है मैंने। बहुत खूबसूरत है, इसे रख दीजिए और आप सब दूसरे कमरे में जाइए, मैं अपना जोड़ा सिर्फ अपने हाथों से पहनूंगी, बिल्कुल अकेले में सिंगार करूंगी। बड़ी खुशी की बात है, मगर तू बहुत कमजोर है बेटा, हम सब तेरी मदद करने आई हैं। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं अम्मी हुजूर, मेरे जिस्म में अब काफी ताकत पैदा हो गई है। जिद न कर मेरी बच्ची, मैं इल्तजा करती हूँ आप इन सबको अपने साथ ले जाइए। तेरी मर्जी, आओ जुबैदा। खुदा का लाख लाख शुक्र है, ये दिन देखना नसीब हुआ। बाजी, फिक्र ना करो, मैं अच्छी हूँ, घर में शादियां नहीं बज रहे हैं और तुम उदास बैठी हो। नहीं बाजी, मैं उदास नहीं हूँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बयान नहीं कर सकती। खुदा आपका सुहाग सलामत रखे। जरा मेरे साथ आओ मेरे कमरे में। चलिए। बहुत ही खूबसूरत, निहायत लाजवाब, अल्लाह मुबारक करे। पसंद आया? इसे कौन ना पसंद करेगा। सच? खुदा की इस दिन के इंतजार में मैं आंखों में दम रोके बैठी थी।
खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। सुहागन बनना हर एक की किस्मत में नहीं होता। सच है, जिस पर खुदा की रहमत हो उसी को ये दिन नसीब होता है। बदनसीब मुंह देखते रह जाते हैं, किस्मत की बात है। ये जोड़ा अम्मी हुजूर ने बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक बनवाया है। ये रंग भी मुझ पर खूब खिलता है। देखो, वाकई खूब खिलता है। गोरा चिट्टा रंग, उस पर केसरी जोड़ा, यूं मालूम होता है अनार की कली अपने निखार पर उतरा रही है। जाने क्या बात है, लड़कियां ब्याह का नाम सुनकर ऐसी खुशी महसूस करती हैं जैसे उन्हें जन्नत मिल गई। मेरे मुर्दा हाथों में फिर से जान आ गई। सुहाग का जोड़ा, तमन्नाओं का रंग, शहनाइयों की आवाज, घर का नक्शा कितना भला मालूम होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ हमीदा। तुझे क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू कैसे छलकने लगे? मैं हंस रही हूँ, घर हंस रहा है, फिजा हंस रही है, सब हंस रहे हैं। तू किस लिए टसरे बहा रही है? ब्याह के दिन मातमी सूरत नहीं, खिलखिलाते हुए चेहरे देखे जाते हैं। मैं तो हंस रही हूँ बाजी, ये देखिए। तेरी फीकी हंसी इस बात की दलील है कि तू मेरी किस्मत पर रश करती है। मैं और आप पर रश करूं? खुदा वो दिन ही नसीब ना करे मुझे। तेरी किस्मत और मेरी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क है पगली। एक चढ़ता हुआ चांद, दूसरा डूबता हुआ सूरज। मैं हर हालत में अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। तू चाहती है कि मैं एक कामयाब दुल्हन बनूं? ये मेरी दिली ख्वाहिश है बाजी। और ये भी चाहती है कि मेरी कामयाबी लाजवाब हो जाए? मेरी यही तमन्ना है। तकलीफ तो ना होगी तुझे? जी नहीं। आंसू तो ना निकल आएंगे तेरे? हरगिज नहीं। फिर तो ना जाएगी अपनी जबान से? कभी नहीं। तो फिर सुहाग का जोड़ा उठा और उसे अच्छी तरह देख और बता कि ये कितना खूबसूरत है। बहुत ही बेपनाह है बाजी। अगर मैं तुझसे कहूँ इसे पहन ले तो पहन लेगी? जी, दिल तो जरूर चाहता होगा। इस दिल की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है बाजी। आज तेरी बाजी तुझ पे मेहरबान होना चाहती है, उसकी खुशी पूरी करेगी। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। फरमाइए। ये जोड़ा पहन ले फौरन। मैं और आपका जोड़ा पहनूं? ये कैसे मुमकिन है? खुदा आपका सुहाग सलामत रखे। ये आप ही को जेब देता है। तुम मेरा हुक्म नहीं मानेगी? खुदारा मुझे मजबूर न कीजिए। तू बड़ी गुस्ताख है, मेरी आखिरी खुशी भी पूरी ना करेगी हमीदा। मेरा इम्तिहान न लीजिए बाजी, लिल्लाह मुझ पर रहम कीजिए। वक्त बीता जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है। मैं तुझे किस चीज का वास्ता देकर समझाऊं? अरे नादान, ये तेरे ही सुहाग का जोड़ा है, तेरे ही लिए महल में शादियां भी बज रहे हैं। बाजी, इस कमजोर जिसमें अब हाथ जोड़ने की ताकत भी नहीं रही, तुझे खुदा का वास्ता है, पहन ले जोड़ा, ये सब तेरे ही लिए है। तेरे कुर्बान हो गई तैयार? देखूं तो सही कैसा रूप आया है मेरी बच्ची पर। तू और इसकी बात में तेरी ये मजाल कम बात? इसे कुछ ना कही अम्मी हुजूर, हमीदा को मैंने अपनी मर्जी से दुल्हन बनाया है। मगर तूने ऐसा क्यों किया है बेटा? ब्याह तेरा रचाया गया है, खुशियाँ तेरी देखनी है हमें। एक जिंदा इंसान की शादी जिंदा इंसान ही से हुआ करती है अम्मी हुजूर, मुर्दे से नहीं। सुरैया, तुझे क्या हो गया है बेटा? ये कैसे
कलमार जबान से निकाल रही है तू? माँ बाप की खुशियाँ पूरी होने दे मेरी बच्ची। ला, मैं तुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाऊ। शौक ही पूरा करना है तो मुझे दो गज लट्ठा मंगवा दीजिए अम्मी हुजूर। मेरे सुहाग का जोड़ा ये सब पग लिबास नहीं, सिर्फ कफन है। मेरे अल्लाह ये कैसा अंधेर है, तू मुझे पागल बना देगी सुरैया। आखिर क्या हो गया है तुझे? मैं खुद हैरान हूँ कि अम्मी हुजूर को क्या हो गया है। आपकी सुरैया जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और आप उसका ब्याह रचाए बैठी हैं। मैं पद के दहाने पर खड़ी हूँ और आप मेरे हाथों में मेहंदी लगाना चाहती हैं। मुझे चैन से मरने दीजिए। हाँ मेरे अल्लाह ये कैसा आसमान टूट पड़ा है मेरे सर पर। तू अपनी माँ के कलेजे में भाले गाड़ दे, मगर लल्ला अपनी जबान से ऐसे कलेमात न निकाल। मैं तेरी माँ हूँ सुरैया। अजल मेरा दामन थामे खड़ी है, सांस मलकुल मौत के इशारे की मुंतजर है। अगर आप चाहती हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाऊं, तो जो कुछ हो रहा है उसे खुदा की मर्जी समझकर होने दीजिए। मगर ये कैसे मुमकिन है, क्यों कर हो सकेगा मेरी बच्ची? मैं तेरे दर्द का इलाज कर रही हूँ। मुझ में बहस करने की ताकत नहीं रही। मेरा इलाज, मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती और मेरी सलामती का ख्याल है। तो जिस कदर जल हो सके हमीदा का दामन इकबाल के हाथ में दे दीजिए। यही मेरे रोग की दवा और यही मेरे दर्द का इलाज है अम्मी हुजूर। मैं आपको किस तरह समझाऊं, मेरी जबान में फरियाद करने की ताकत नहीं रही। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, हम तक जिंदा रहना चाहती हूँ। मुझे मरने से बचा लीजिए। मैं हमीदा खातून बिन्त मुंशी अमजद अली को आपकी ज़ौजियत में देता हूँ। आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक बाशद। जोड़ा हमेशा सलामत रखे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।